रुड़की के गंगा नहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गांव में एक विवाहित स्त्री की संदिग्ध मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विवाहित ने स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। वहीं विवाहिता के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी लड़की को ससुराल पक्ष की तरफ से परेशान किया जाता था, जिसको लेकर उसने आत्महत्या की है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला की शादी करीब 7.5 साल पहले हुई थी। महिला थाना बहादुराबाद क्षेत्र की मरगुपुर की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि सास और बहू की किसी बात को लेकर नाराजगी हो गई थी, जिस कारण विवाहित ने फंदे पर लटक कर खुदकुशी कर ली। वहीं परिजनों का कहना है कि यह हत्या भी हो सकती है, क्योंकि ससुराल पक्ष के लोग कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं और विवाहित को काफी दिनों से परेशान भी किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही परिजनों का आरोप है कि महिला की शादी के 1 साल बाद से कोई संतान न होने के कारण महिला के साथ मारपीट करते थे। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष महिला के साथ पहले भी कई बार मारपीट कर चुके हैं। परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला के कोई संतान न होने के कारण महिलाओं को उसके ससुर वालों ने मारा है। वहीं इस मामले में कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी रामपुर गांव में एक महिला ने फंदे से लटकर सुसाइड किया है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और डैडी जी हमने जी हमें पता लगा था लड़की को तलाक दे दी। हमने उसके पास फ़ोन किया और देख कैसा हुआ, हालांकि हमने सर लड़की को तलाक दे दी, अब ले जाओ। अब मैंने उसके भाई के पास फ़ोन किया लड़की के, अब उसने बोला कहना भाई तो पता करके दे कुछ। अब उसने से फ़ोन किया कहना को मासी तो भाई तलाक दे दी, बिल्कुल ले जाओ। यहाँ पर आके देखा तो घर पर तो कोई नहीं है। उससे फ़ोन किया लड़के के पास, अब मैं तो हॉस्पिटल में आ गई, अपना तो हॉस्पिटल में मिला ना घर मिला। लड़की हॉस्पिटल में आई, उसको पोस्टमार्टम के लिए छोड़ के चले गए थे। तो 3:30 बजे लड़की मरी हुई पाई।